सात दिन का समय दिया गया 12 तारीख। हमारी शर्त ये थी कि सोना का जो आसपास के जो इलाके हैं इनका टोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये चीज पोस्टपोन किया भी किया, खत्म नहीं किया। अगर इन्होंने आगे हमें रिलीफ नहीं दिया तो संघर्ष जारी रहे। सोहना गुरुग्राम मार्ग पर NHAI द्वारा शुरू की गई टोल वसूली को लेकर स्थानीय लोगों में टोल कंपनी व सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने शनिवार को इलाके के मौजूद लोगों की एक पंचायत कर बुधवार को घामरोज टोल प्लाजा पर भारी तादाद में पहुंचकर प्रदर्शन करके विरोध जताने का फैसला लिया। साथ ही बुधवार को बाजार बंद करने का भी फैसला लिया था, लेकिन मामले की संगीनता को देखते हुए सोहना SDM जितेंद्र गर्ग ने टोल प्लाजा ठेकेदार व टोल संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने कार्यालय में बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में फैसला लिया गया कि एक सप्ताह तक सोहना कस्बा वासियों सहित स्थानीय गाँवों के लोगों से टोल वसूली नहीं की जाए, जिनको टोल प्लाजा से गुजरते समय अपना आधार कार्ड या गाड़ी की RC दिखानी होगी। जो आज हमारी मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले SDM साहब ने संघर्ष समिति, जो अपने टोल संघर्ष समिति थी और जो टोलों के अधिकारी थे, उनकी संयुक्त मीटिंग बुलाई थी। और उसमें संयुक्त मीटिंग में फैसला हो गया है कि 7 दिन तक का हमें टाइम दिया जाए, 12 तारीख तक का, और उस इतने सोने वालों की गाड़ी बिल्कुल फ्री चलेंगी। इसलिए हमें आज की जो मीटिंग है वो स्थापित करनी पड़ी है। ये 7 दिन का समय दिया गया है, 12 तारीख तक। हमारी शर्त ये थी कि सोना का जो आसपास के जो इलाके हैं इनका टोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसलिए सोना SDM द्वारा आयोजित की गई बैठक में टोल ठेकेदार व टोल संघर्ष समिति के बीच हुई आपसी समझौते के बाद, जहां व्यापार मंडल के प्रधान द्वारा सोमवार शाम को बुलाई गई कस्बा के व्यापारियों की बैठक स्थगित कर दी गई। साथ ही बुधवार को टोल प्लाजा पर होने वाले प्रदर्शन को भी 12 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। टोल संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन टोल टैक्स उससे पहले ही वसूलना शुरू कर दिया, जो सरेआम जनता के साथ धोखा है, जिसे सोहनावासी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले काफी दिनों से टोल के बारे में, काफी टोल नया लगा इसके बारे में हम संघर्ष कर रहे थे इसको लोगों के आसपास के इलाके को माफ कराने के लिए। उसी संदर्भ में आज हमारी जो टोल की कमेटी थी, वो हमारे सोना के SDM साहब, हमारे ACP साहब और टोल के कर्मचारी, उनके बीच में मीटिंग हुई थी। हमारे जो आसपास के गांव है, बादशाहपुर से लेकर सोना शहर के सभी गांवों के आसपास के, इनके टोल फ्री किया जाए, उस बात पर काफी देर चर्चा हुई, जिसमें टोल के कर्मचारियों ने अभी प्रशासन से भी और कमेटी से भी 1 हफ्ता का टाइम दिया कि 1 हफ्ता तक हम अपने अधिकारियों से मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तब तक के लिए जो टोल के दोनों तरफ की लाइन है, उन दोनों तरफ की एक एक लाइन यहां के आसपास के बादशाहपुर से सोना शहर के सभी गांव के आसपास के लोगों के लिए वो फ्री रहेंगी। उसके बाद 12 तारीख को हम लोग बैठेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो चालू रहेगी। हमने अभी ये चीज पोस्टपोन किया भी किया, खत्म नहीं किया। अगर इन्होंने आगे हमें रिलीफ नहीं दिया तो संघर्ष जारी रहेगा। भले ही एक बार सोहना SDM द्वारा टोल संघर्ष समिति व टोल ठेकेदार के बीच मध्यस्थता कर 1 सप्ताह के लिए सुलहनामा करा दिया गया हो, लेकिन देखना इस बात का होगा कि 12 अप्रैल के बाद क्या घामरोज टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों का टोल फ्री किया जाता है या फिर टोल ठेकेदार द्वारा पास की सुविधा दी जाती है, और क्या ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली सुविधा टोल संघर्ष समिति द्वारा मानी जाती है या फिर से टोल के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।